Now coming to question number 8. A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स है और वो उन प्लांट्स को इस तरीके से लगाना चाहता है जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों सेम हो। अब हमें बताना है कि उसको कितने मिनिमम प्लांट्स चाहिए रहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को सेम रखने के लिए। उसके पास कितने प्लांट्स है? 1000। और उसे कितने और चाहिए रहेंगे, मतलब हमें इसमें ऐड करना है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। बाहर पुट कर लीजिए। नाउ हमें यहाँ पे कैसा नंबर रखना है जो 10 से कम हो, और अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा। सो हमें किसका स्क्वायर रखना पड़ेगा? 3 का। तो यहाँ पे भी 3 पुट कर दीजिए और यहाँ पे भी 3, 3 3 इज़ 9। अब 10 में से 9 को क्या करेंगे? माइनस, तो 1 आ जाएगा और सेकंड पेयर को नीचे ले आएंगे और यहाँ पे 3 को ऐड कर देंगे। सो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। नाउ अब आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 100 से कम हो या 100 के इक्वल हो। अगर मैं 61 × 1 करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 61, और अगर मैं 62 × 2 करती हूँ तो 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 124 तो ज़्यादा हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 1, दैट इज 61। सो 100 में से 61 जाएंगे, 10 में से 1 जाएंगे 9, और 9 में से 6 जाएंगे 39। सो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 39। देयरफॉर 1000 जो है वो 31 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो मैं इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लूँगी। 31 के बाद क्या आता है? 32। सो 32 × 32 कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, सो 4 × 6 = 12, 10, 1024। 32 का स्क्वायर आ जाएगा 1024। उसके पास कितने प्लांट्स ऑलरेडी हैं? 1000। सो उसे और कितने चाहिए रहेंगे? Hence, number to be added (1024 − 1000). So 1024 में से 1000 को माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 24। Therefore अगर मैं 1000 में 24 को ऐड कर देती हूँ तो उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आ जाएंगे। हैंस द गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स।